सांसद राजन विचारे ने आज निर्माणधीन दीघा रेलवे स्टेशन का दौरा किया और विकास कार्यों का जायजा लिया। एमआरवीसी के जरिए दीघा रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। आज सांसद राजन विचारे ने अधिकारियों से प्रोजेक्ट कार्य की स्थिति का हाल जाना और निर्माण में तेजी लाने के लिए जरूरत निर्देश भी दिए। एक दिन पहले ही उन्होंने एरोली कांटे एलिवेटेड कॉरिडोर का दौरा भी किया था। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई में चल रही विकास परियोजनाओं को शीघ्र पूरा कराने के लिए शिवसेना सांसद राजन विचारे ने प्रयास तेज कर दिए हैं। आज उन्होंने थानेवासी रेलवे रूट पर निर्माणाधीन दीघा रेलवे स्टेशन का दौरा किया और अधिकारियों से इसकी कार्य स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान महानगर पालिका, MIDC और MVRC के अधिकारी मौजूद थे। बता दें कि वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीघा रेलवे स्टेशन का वर्चुअल शिलान्यास किया था, तब से इसका निर्माण चल रहा है। आज सांसद राजन विचारे ने यहां का जायजा लेने के बाद दावा किया कि 110 करोड़ की लागत से बन रहे दीघा रेलवे स्टेशन का 60% कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने MVRC अधिकारियों के हवाले से बताया कि दिसंबर 2022 तक दीघा रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। शिवसेना सांसद ने कहा कि स्टेशन से बाधित होने वाले 1080 झोपड़ियों का पुनर्वसन चल रहा है, जिसमें से 924 घरों को आरक्षित किया गया है, जबकि शेष के लिए प्रक्रिया चल रही है। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। 2016 कामाला सुरुवात झाली। प्रत्यक्ष 428 कोटीचं हे काम हे मंजूर झालं होतं, म्हणून पहिल्या टप्प्यामध्ये आपण हे दीघा स्टेशनचं काम हाती घेतलेलं आहे आणि त्याप्रमाणे आज त्यांनासुद्धा सूचना दिलेल्या आहेत, जेणेकरून तिथे एक्सिलेटर आहेत, लिफ्ट आहेत, या सर्व गोष्टी तिथे त्याच्यामध्ये समाविष्ट केलेल्या आहेत आणि हे नोव्हेंबरमध्ये काम पूर्ण होऊन डिसेंबरला लोकार्पण। आता तुम्ही जर बघितलं असेल या ठिकाणी सर्व रेल्वेची जागा असल्याकारणाने हे नाही आहे, पार्किंगची व्यवस्था MIDC जागेमध्ये केलेली आहे, तोसुद्धा प्लॉट आपण या ठिकाणी मागितलेला आहे आणि तोसुद्धा प्लॉट दिला जाईल। इथल्या लोकांना जर नवी मुंबईला पनवेलला जर यायचं असेल तर ठाण्याला तिकडे जाऊन या इकडे यायला लागतं, तर हा संपूर्ण वेळ वाया जाणार आहे। त्याचबरोबर ठाणा स्टेशनची जी 40% गर्दी कमी होईल आणि ह्याच्यामध्ये फ्रिक्वेन्सीसुद्धा वाढणार आहे, कारण तुम्ही बघितलं असेल हार्बर लाईन जी आहे, त्याचबरोबर इकडची हे जी लाईन आहे, ते त्या ठिकाणी ह्या सर्व ह्या ज्या गाड्या आहेत हे इथून गेल्यामुळे तिकडच्या फ्रिक्वेन्सीमध्ये सुद्धा वाढ होणार आहे, जेणेकरून लोकांचा वेळ इथे जो जास्त जातो तो कमी होणार आहे, जेणेकरून ह्या संबंध प्रवाशांना एक चांगली सुविधा इथे प्राप्त होईल। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।